My name is B.K. Singha, Regional Director, RDSD, Odisha. बेनिफिट बहुत है. देखिए, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, यंग पॉपुलेशन है, उससे एवरीबॉडी अवेयर ऑफ इट, स्किल हब, ग्लोबल स्किल हब इंडिया इज गोइंग टू बी देयर ऑल ओवर वर्ल्ड. स्किल्ड मैन पावर जो है, इंडिया विल बी देयर. अभी वी हैव गॉट डिस्टिंग क्वालिटी ट्रेनिंग फॉर दैट, क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग. क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग के लिए ऑन द जॉब एक्सपोजर इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है, वी गेट इट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ दिस इंट्रोड्यूस दिस अप्रेंटिसशिप स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. दिस इज ऑल्सो इज अ लेटर वर्जन ऑफ द आवर इनिशियल अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961. अंदर नैप जो अप्रेंटिसशिप, बच्चे लोग जो इंडस्ट्री में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए जो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाता है टू रिड्यूस द बर्डन टू द इंडस्ट्रीज, 1500 पर कैंडिडेट. और उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो बच्चे लोग जा रहा है, उसमें तीन किस्म का है मेनली. एक है ITI पास आउट, दूसरा है फ्रेशर्स जो बोलते हैं नॉन टेक्निकल, जैसे कि क्लास 10 पास, 12 पास, ये सब भी अप्रेंटिसशिप के लिए एक होता है. दिस इज सेकेंड कैटेगरी. और थर्ड कैटेगरी जो है, उसका डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स. या दैट इज द कॉमन क्वेश्चन, एवरीबडी आस्क्स इट. लेकिन इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स तो लार्ज नंबर्स में पास आउट होता है, और इतना एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है इंस्टेंटली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो उसको जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने के बाद, इंडस्ट्री नीड्स मैन पावर. अभी देखिए, ये सब कंट्राडिक्टरी होता है. इंडस्ट्री बोलता है स्किल मैन पावर अवेलेबल नहीं है, और ITI या जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग होता है, वो लोग बोलते हैं माई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब. तो इसमें बहुत गैप है, मीन्स देर इज़ ए मिस अंडरस्टैंडिंग. ये जो है अवेयरनेस वर्कशॉप जो है, ऑल ओवर इंडिया 250 सेंटर्स में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में. आउट ऑफ दैट उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 जगह पे हो रहा है. ये सेकंड वर्कशॉप है. पहले वर्कशॉप 31 जनवरी को ये हुआ था, ITI गवर्नमेंट ITI टालचर. ये ढेंकनल, अंगुल और डियोगढ़, 18 डिस्ट्रिक्ट कवर किया. और अभी दिस इज़ द सेकंड अप्रेंटिसशिप मेला, आई मीन नॉट मेला, दिस इज़ द अवेयरनेस वर्कशॉप. इसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, मतलब अप्रेंटिसशिप, हाउ टू एंगेज अप्रेंटिसशिप. इंडस्ट्रीज लोग जनरली डरते हैं, हर बच्चे आएगा तो प्रेशर आ जाएगा हम लोग को जॉब इसको देने के लिए. इसको क्लैरिफिकेशन के लिए, और एट द सेम टाइम देर इज ए सोशल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जो है, इसकी माध्यम से भी फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो ये बच्चे लोगों को कुछ न कुछ तो फिर ये जो इंडस्ट्रीज का जो है सोसाइटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. सो अप्रेंटिसशिप इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ CSR. मो स्वप्न कुमार मिश्र, सरकारी ITI रो अध्यक्ष अच्छे. ए नेशनल अप्रेंटिसशिप वर्कशॉप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करडीएससी ऑर्गेनाइज कर सपोर्ट कर. हाँ, ये गोटे पिलाटी जो गोटे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पास करुचे, सो से सेमी स्किल वर्कर हिसाब से जाऊँचे, तार इंडस्ट्री रेडी हवापाई इंडस्ट्री ट्रेनिंग निहाती दरकार और इंडस्ट्री सपोर्ट निहाती दरकार. से अप्रेंटिसशिप एक्ट प्रोविजन कराई 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट. सो से अनुसार इंडस्ट्री मैंने पिला मानक नहीं कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग दिखती आ पा मैंने इंडस्ट्री रेडी हूँ. सो से हूँ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो अप्रेंटिसशिप स्कीम रा. एठी इंडस्ट्री माने जे जोग देइछन्ति प्राय 60 जन इंडस्ट्री जोग देइछन्ति आजिका इयरे. ए 60 जन इंडस्ट्री आमर कटक, जगतसिंहपुर आ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे आछन्ति. ए तीनटा डिस्ट्रिक्ट को आमे एठ कवर करछु. जे SME सिंडा प्राइवेट लिमिटेड मु रिप्रेजेंट करछु, आमर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैनेजर.
ଇଏ ଗୋଟେ MNC ଜର୍ମାନ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 2015ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଦେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଟ୍ରେନ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ତା ଦେହରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବି ଆମ ସହିତ ସକ୍ସେସଫୁଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଥ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବି କରୁଛୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ସରିଗଲା ପରେ। ସାର୍, ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଜି ଯାହା ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଆଉ ବି ଆହୁରି କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ସବୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଦରକାର ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଯେ ଆହୁରି ଭଲ ପିଲା ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଦରକାର। ମାଇସେଲ୍ଫ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର CSR ସ୍କିଲ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ସ ଫ୍ରମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ଜିମ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଵିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇନକୋପରେଟେଡ୍ ଇନ୍ 2006 ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ସର୍ଭିଙ୍ଗ ଆୱର ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବ୍ରଡ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ସୋ। ବେସିକଲି ଆୱର ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ଦ ନେସନ୍ is export and import of the goods and material. Thank you. And we are also running the government scheme just like NETS, and second one is NAPS, which is good initiative from the government, and we are running in a smooth process smoothly and with the collaboration of the government. Thank you. अभी तक हमने नेट्स के अंडर में 50+ हमने इनरोल कर चुके हैं, और हमने लास्ट 1 ईयर में A+2 क्लेम भी हमने किए हुए हैं, और इन फ्यूचर हमें अप्रेंटिसशिप के अंडर में और भी हमें इनरोल करने के चांसेस मिलेंगे, तो हम डेफिनेटली करेंगे एज अ ऑप्शनल ट्रेड। और नेप्स के अंडर में हमने मोर देन 40 हमने इनरोलमेंट कर चुके हैं। स्किल्ड हमें बेसिकली डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंडर में जैसे टेक्निकल टर्म्स ITI या पॉलिटेक्निक के हुए डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं उनके भी हमने लिए हुए हैं, और जो ग्रेजुएट भी होते हैं या फिर मैट्रिक या +2 लेवल पे भी होते हैं उनको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्टली हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड करके देन उनको हम फील्ड ओरिएंटेड OJT प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोग्राम कितना हेल्पफुल होगा बच्चों को स्किल करने? बेसिकली जहाँ इंडस्ट्री हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लिंकेज कैंडिडेट नहीं मिलते थे, अभी हमें उतना ज़्यादा अच्छे से स्कोप मिल जा रहा है कि हम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट ITIs हो गए या फिर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स जो इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिल करके हमें सोर्सिंग करें एक राइट कैंडिडेट, या मतलब कैंडिडेट को क्या चाहिए स्कोप कंपनी की तरफ से या कंपनी को क्या चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया ताकि आपस में एक दूसरे से मिल के बैठ करके उसको शॉर्ट आउट करें और एक बेहतर इम्प्लीमेंट करें।